हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल प्रियास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं जोधपुर का फेमस क्रिस्पी वड़ा। इसे आप आलू बोंडा भी कह सकते हैं, ब्रेड बोंडा कह सकते हैं, आलू बड़ा कह सकते हैं, पर ये थोड़ा सा अलग है। ये 3 लेयर्स वाला काफ़ी क्रिस्पी मज़ेदार नाश्ता है। तो चलिए कैसे बनाना है देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बाउल भर के बेसन का लिया है। इसमें हम थोड़े से अजवाइन डालेंगे, उसे इस तरह से क्रश करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डलेगा और 2 पिंच हम इसमें खाने का सोडा डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक नरम घोल रेडी कर देंगे। इसे बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं करना है। अब ये एकदम बढ़िया तैयार हो गया है। इसे 20 मिनट के लिए हम रेस्ट देने के लिए एक साइड रख देंगे ढककर, और अब हम बाकी की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून हमने तेल डाला है, 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर गार्लिक डाल रहे हैं। इसे हमें थोड़ा सा बारीक काट लेना है, आप चाहें तो इसे पीस भी सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून खड़ा धनिया, 1/2 टीस्पून सौंफ डालेंगे और 1 इंच अदरक को हम इस तरह से पीस के इसमें डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सेक लेंगे और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं कच्ची केरी। 2 टेबलस्पून तक हमने इसमें लिया है। अगर आपके पास कच्ची केरी अवेलेबल नहीं हो तो आप नींबू या अमचूर या चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून मिंट पाउडर लिया है, 2-3 हरी मिर्ची ली है, कसूरी मेथी को भी थोड़ा सा हमने क्रश करके इसमें डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है और धनिया पाउडर डाला है। जीरा पाउडर भी हमने इसमें डाला है जो हमने भून के और पीस के रखा था, और थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्ची डाली है, काला नमक डाला है, नॉर्मल नमक डाला है और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। गाइज, अगर आपके पास मिंट पाउडर नहीं हो तो आप इसके अंदर पुदीने की फ्रेश पत्तियां भी डाल सकते हैं बारीक काट करके, और आपके पास जितने मसाले इसके अंदर हैं अवेलेबल वो उतने डालिए, और अगर एक आधी चीज़ स्किप भी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैं 5 से 6 आलू डाल रही हूँ बॉयल किए हुए, थोड़ा मैं इसे हाथ से ही मैश करके डाल रही हूँ, और अब इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्लो फ्लेम पर। अब लास्ट में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ, बस इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें गैस करना है बंद और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब यहाँ पर मैंने सैंडविच ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, आप जिस भी साइज़ की चाहें उस साइज़ की ब्रेड ले सकते हैं। बस इनके आपको कोने अच्छे से काट लेने हैं और इन कोनों को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इन्हें भी हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। इन कोनों को हमें मिक्सर में डाल के अच्छे से पीस लेना है। अब हमारा ये जो मसाला हमने रेडी किया था वो ठंडा हो गया है। इसके लिए हमें इसमें बॉल्स बनाने हैं और हमें सेम साइज़ के बॉल्स बनाने हैं, और बॉल्स की जो साइज़ है वो डिपेंड करती है ब्रेड की स्लाइस पर। आपकी ब्रेड अगर बड़ी है तो आप थोड़े से बड़े बॉल्स बनाइए, और अगर आपकी ब्रेड छोटी है तो आप छोटे बॉल्स बनाइए। फिर हम खुले से बर्तन में थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें एक स्लाइस ब्रेड का डाल के इस तरह से अच्छे से निचोड़ लेंगे, और उसके अंदर हम डालेंगे अपना ये बॉल और इसे अच्छे से ब्रेड से कवर करके ब्रेड रोल बना लेंगे। इन्हें हम एक साइड रख देंगे
और अब हमें क्या करना है कि जो हमने अपना बेसन का घोल बना लिया था उससे वापस से चेक कर लेंगे। बेसन की ऐसी आदत होती है कि वो पानी को सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे नॉर्मल करना है ताकि हम अपने बॉल्स को इसके अंदर अच्छे से डिप कर सकें। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह से रखनी है, ना तो बहुत ज़्यादा मोटी रखनी है ना ज़्यादा पतली रखनी है। अब हम इसके अंदर अपने बॉल्स को डालेंगे और उसे फोक से थोड़ा सा कोट कर लेंगे और फिर उसे हम फोक से ही उठाएंगे और जो एक्सेस हमारा बेसन इस पर लग गया होगा उसे हम थोड़ा सा छटक लेंगे इस तरह से। इस तरह से झटक कर हमने जो अपने ब्रेड क्रम्स बनाए थे उसके अंदर डाल के इसे बहुत अच्छे से चारों तरफ से कोट कर लेंगे। तो देखिए हमारा 3 लेयर्स वाला ब्रेड बोंडा या जोधपुरी वड़ा एकदम रेडी है फ्राई करने के लिए। पहले हमने आलू का एक बॉल बनाया, उसके बाद हमने उसके ऊपर ब्रेड की एक लेयर चढ़ाई, फिर हमने उसके ऊपर बेसन की एक लेयर चढ़ाई और उसके बाद हम इसे तीसरी और आखिरी ब्रेड क्रम्स की जो लेयर है उससे कवर कर रहे हैं। ये इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। आप चाहें तो इसे बनाकर भी रख सकते हैं। एक एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, उसके अंदर आप इसे डालकर फ्रोज़न कर लीजिए फ्रीज़र में। इसे आप 1 महीने तक भी यूज़ कर सकते हैं। विश्वास मानिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। कभी भी अचानक कोई गेस्ट आए तो आप इसे 4-5 घंटे पहले सिर्फ निकाल के रखिए और उसके बाद इस तरह से प्रेस करके उसे आप डीप फ्राई कीजिए। इसे हमें स्लो फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं ये बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो काफ़ी ऑयली हो जाएगा। इसलिए हमें इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए ये बहुत बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमें इस तरह से छन्नी में इसे निकाल लेना है और इसे टिश्यू पेपर पर रख देना है। बाकी के जो बॉल्स हैं उन्हें भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये काफ़ी क्रिस्पी हैं। देखिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, आवाज़ सुनकर ही आप समझ जाएंगे कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आप चाहें तो इसके साथ आप ताज़ी हरी मिर्ची को भी फ्राई करके इसके साथ सर्व कर सकते हैं। गाइज ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।